नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा के बाद आखिरकार निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्पष्ट संकेत दिया कि वो 20 जनवरी को स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देंगे। ये कहते हुए उन्होंने संकेत दिया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्थित परिवर्तन होगा। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी। कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन आज तड़के किया गया। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस की कार्यवाही बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई थी। निर्वाचन मंडल के मतों की पुष्टि कैपिटल हिल पर हिंसा की घटना के बाद आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और इलाके में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस हिंसा में सुरक्षा कर्मियों के लिए अपनी जान बचाकर भागने तक की नौबत आ गई और इमारत के भीतर गोलीबारी की घटना हुई। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन करीब 8 करोड़ मतों के साथ निर्वाचन मंडल के 306 मतों को हासिल करने में सफल हुए थे। संसद में 2 घंटे तक चली सत्यापन की कार्यवाही का सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर समर्थन किया। यहां तक कि उन्होंने 2 राज्यों एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में निर्वाचन संबंधी आपत्तियों को भी खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।